हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स, यानी कि अल्काइन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। देखिए, पार्ट वन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं अल्काइन को प्रिपेयर करने के मेथड्स को, और ये है पार्ट टू जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा किस तरीके से हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलिक या फिर फ्यूमेरिक एसिड, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर की प्रेजेंस में। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलिक या फिर फ्यूमेरिक एसिड। तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक या फिर फ्यूमेरिक एसिड। इसका हम कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर के साथ, इसका करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम बोलते हैं इथाइन, यानी कि ये क्या है, ये अल्काइन। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 2CO2, ये पार्ट, इतना पार्ट हमें मिलेगा एनोड पर, और कैथोड पर हमें मिलेगा 2KOH+H2। अब देखिए कैसे मिला है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमें ये मिला है यहाँ पर CH, और उसके बाद इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया। देखिए इसको बाद में समझेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये मिला है हमारे पास इथाइन। सबसे पहले समझिए 2CO2, 2CO2 का मतलब यहाँ पर कार्बन कितना है, इसको बैलेंस करके देखते हैं ये ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन है 2, तो कार्बन हो गया यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, तो 2 2 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई। ठीक है, इतना जो पार्ट है यहाँ पर ये COO और यहाँ पर COO, वो यहाँ पर आ गया 2CO2 की फॉर्म में। ठीक है, ये यहाँ पे इतना बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो 2K है, यहाँ पर 2K बचे और यहाँ पर 2H2O, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 2H2O में से 2OH इस 2K के पास आए, तो 2OH 2K के पास आए तो 2KOH हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ H2 बचा। देखिए ऐसे समझिए कि मेरे पास 2K हैं, H2O ये, एक H2O ये, क्योंकि यहाँ पर जैसे रिएक्शन वगैरह का 2H2O। अब इस H2O में से एक OH मैंने इसको दे दिया, इसमें से एक OH इसको दे दिया, और एक OH मैंने इस वाले में से इसको दे दिया, तो इसमें से एक OH निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ एक H, और इस वाले में से एक OH निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा, एक एच, तो एक एच एक एच यहाँ पर कितना हो गया, 2H, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2KOH। तो यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है। अब यहाँ पर अगर हम CH डबल बॉन्ड CH लिख देंगे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो गया कार्बन बैलेंस, और ये हमें मिल गया है अल्काइन, इसको बोलते हैं हम इथाइन, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलीन। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ क्या हुआ यहाँ पे। पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड का हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ, तो एनोड पे हमें इतना पार्ट मिलेगा और कैथोड पे हमें इतना पार्ट मिलेगा। कैसे H2 कैसे आया, 2KOH कैसे आया, वो हमने अभी बैलेंस करके इक्वेशन को देख लिया। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन ये वाले हैं, तो 2 कार्बन ये वाले यहाँ पर हो गए, 2 हाइड्रोजन ये वाले हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। ठीक है, इतने क्लियर। उसके बाद 2 कार्बन यहाँ पर हैं, 2 कार्बन इधर आ गए, ये वाले 2 कार्बन। उसके बाद यहाँ पर ओ कितने हैं, 4 हैं, ओ है 4, 4 ओ हैं, तो यहाँ पर O2, 2O ये हो गए और 2 आ गया है, तो 2 × 2 4, तो 4O, यहाँ तक का पूरा जितना भी है वो बैलेंस है। उसके बाद 2K हैं, तो 2K यहाँ पर आ गए, 2K हैं। उसके बाद 2H2O, 2H2O में से 2OH यहाँ आ गए 2K के साथ, तो 2KOH आ गया, बचा क्या, सिर्फ H2 बचा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इथाइन, यानी कि अल्काइन का फॉर्मेशन हो चुका है, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। ये अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है जिसको हम इथाइन बोलते हैं। और देखिए एक बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो मेथड है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसके द्वारा हम एल्कीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ये दोनों मेथड को भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में जो एल्कीन की प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर मिल जाएगा, ये कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस से हमने किस तरीके से एल्कीन को प्रिपेयर किया है,
और एल्कीन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि हमने एल्कीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।